तो आइए दोस्तों, आज 14 अप्रैल 2020 दिन है मंगलवार। आज की टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए देश भर के तमाम 10 बड़ी खबरें, जो कि आप सभी के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप एक भारतीय हैं तो आप सभी को ये खबरें जान लेना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे खबरें आपके डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। आज की इस खबरों में मुख्य समाचार बता दें आपको, लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। जी हाँ, किस किस राज्य में लॉकडाउन लगने वाली है और लॉकडाउन कितने दिन तक बढ़ेंगे, या फिर किस किस राज्य में ही सिर्फ लॉकडाउन रहेगी, या फिर कौन से प्रोटोकॉल के तहत लॉकडाउन लगेगा, ये सारी चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। उसके बाद बड़ी खबर बताएं आपको, यहाँ पे ट्रेन को चलने को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। तो ट्रेन से लेकर लॉकडाउन से लेकर चीनी बीमारी की हर अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो 10 ऐसे तमाम बड़ी खबरें बताएंगे जो कि आपके डे टू डे लाइफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, लेकिन आपसे गुजारिश करेंगे इस तरह के टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से हमेशा अपडेट रहने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, हमें जो मेहनत का फल मिलता है वो आपके लाइक शेयर करने से ही मिलता है। और वीडियो के नीचे कमेंट करिए अपने जिले का नाम और राज्य का नाम, ताकि आने वाले टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन में आपके जिले और राज्य का न्यूज अपडेट जरूर से कवर कर सकें। तो चलिए अब खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको खबरें शुरू करने से पहले बता दें, चीनी बीमारी का आज भारत का लाइव अपडेट आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आज की बात करें तो टोटल कंफर्म केसेस हो चुके हैं 10,075। वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 8,555। वहीं अगर रिकवर्ड केसेस की बात करें तो 1,178। वहीं अगर डेथ की नंबर्स की बात करें तो 342। ये हो गई चीनी बीमारी की लाइव अपडेट भारत की। अब हम लोग खबरों की सिलसिला बिल्कुल एक एक करके जारी करेंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहिए, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो 15 अप्रैल से बुक की है ट्रेन टिकट, तो जानिए रेलवे का क्या है प्लान। जी हाँ, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है, इस दौरान भारतीय रेलवे भी बंद है। ऐसे में यात्रियों के मन में कई सवाल हैं कि लॉकडाउन के बाद वे ट्रेन से पहले ही तरह सफर कर पाएंगे या नहीं। 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद है। यात्रियों ने अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ियों में टिकट बुक कर रखी थी। हालांकि संक्रमितों की बढ़ती संख्या मद्देनजर लॉकडाउन आगे बढ़ाने की संभावना है। ऐसे में भारतीय रेलवे यात्रियों द्वारा बुक किए गए टिकट के मुद्दे का समाधान करने पर विचार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अब तक ट्रेन को फिर से शुरू करने का सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं होती है, तब तक टिकट बुक कराने का काम निलंबित रखा जाना चाहिए। लॉकडाउन को बढ़ाने और सभी सेवाओं को शुरू करने की अनुमति के बारे में फैसले की जल्द ही घोषणा की जाएगी। हालांकि यात्री ट्रेनों चलाने के बारे में शायद ही कोई संकेत है। अब देखिए, रेल मंत्रालय ने क्या स्पष्ट किया है। हालांकि रेल मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यात्रा के लिए अब तक कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने अभी बाकी है। इस मामले में जब कोई फैसला लिया जाएगा तब संबंधित पक्षों को बारे में जानकारी दे दी जाएगी। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसते हैं लोग। जी हाँ, मालूम हो कि देश भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, केवल मालगाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। ऐसे में काफी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं और अपने घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अभी इसका कोई साधन नहीं है, इसलिए लाखों लोगों को ट्रेनों के चलते का इंतजार है। रेल मंत्रालय ने भी अभी निर्णय नहीं लिया है कि यात्री ट्रेन चलेंगी या नहीं। उसके बाद की बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो लॉकडाउन को लेकर बहुत बड़ी खबर, कौन कौन से राज्य हैं जो कि 14 अप्रैल से पहले ही अपने राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। आप बिल्कुल नाम सुन लीजिए, पहला वो राज्य है पुडुचेरी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद वेस्ट बंगाल और ओडिशा, पंजाब। ये 8 राज्य ने 14 अप्रैल से पहले ही 2 हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो इन सभी राज्यों ने लॉकडाउन को जो है 2 हफ्ते बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करते हो, सरकार ने करोड़ों लोगों को दी राहत, 30 जून तक इनके बैंक खाते से नहीं कटेगा पैसा। जी हां, सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के चलते अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अटल पेंशन योजना के लिए ऑटो डेबिट फैसिलिटी को 30 जून 2020 तक रोक दिया गया है। इस स्कीम में मासिक या तिमाही आधार पर अंशदान किया जाता है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो पीएम किसान योजना के तहत लॉकडाउन के बाद से अब तक जारी किए गए 16,621 करोड़ रुपए। सरकार ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद से अब तक देश भर में 8.31 करोड़ किसानों को 16,621 करोड़ रुपए वितरित कर दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था। यह राशि 83.77 लाख लाभार्थी किसानों को जारी किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान योजना के तहत जो पूरी राशि जारी की गई है उसमें पिछले वित्त वर्ष की बनाया गया राशि यानी कि बकाया राशि जो है
1674.43 करोड़ रुपए भी शामिल है। योजना के तहत शेष राशि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहली किस्त के तौर पर 14,945 करोड़ रुपए की राशि 7.47 करोड़ किसानों को जारी की जा चुकी है। इसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो लॉकडाउन ने भारत में कोरोना के संक्रमण को किया लॉक, लेकिन मरकज की लापरवाही ने बढ़ाई चिंता। जी हाँ, कोरोना वायरस के रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन ने काफी हद तक भारत को इस महामारी के महाप्रकोप से बचाया है। हालांकि मरकज की लापरवाही से संक्रमण के 9,000 से ज्यादा मामले आने से चिंता जरूर बढ़ गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका, इटली, फ्रांस और अन्य देशों के मुकाबले यह संक्रमण की दर काफी कम है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया संशोधन, सिर्फ गरीबों का ही हो पाएगा प्राइवेट में मुफ्त कोरोना टेस्ट। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन किया है जो उन्होंने पिछले हफ्ते सभी को मुफ्त में कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में कराने को लेकर दिया था। सोमवार को दो जजों के बीच जस्टिस अशोक भूषण और एस रविंद्र भट्ट ने यह आदेश दिया कि जो लोग टेस्ट के लिए 4500 रुपये नहीं चुका सकते हैं उन्हें के प्राइवेट लैब में मुफ्त में जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत योग्य हैं उन्हें इस टेस्ट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जजों ने केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि अन्य श्रेणी के कामकाज कमजोर तबलीगों के लोग में नोटिफाई करें ताकि वे लोग बिना पैसे दिए प्राइवेट लैब में कोरोना का टेस्ट करा सकेंगे। इसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों में 6ठी से 9वीं और 11वीं के सभी छात्रों को कराए जाएंगे पास, आदेश जारी। जी हां, यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों के कक्षा 6, 7, 8, 9 व 11 के सभी बच्चों को अगली कक्षा में पास कर दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश का लाभ लगभग 70 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। प्रदेश में यूपी बोर्ड के लगभग 27,000 स्कूल हैं। उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो भाजपा नेता के घर से बिक रही थी शराब, पुलिस ने छापा मारकर बेटे को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश जौनपुर में लॉकडाउन के बाद भी भाजपा नेता के घर से शराब बेची जा रही थी। कॉलोनी वालों के शिकायत पर पुलिस ने छापा मारकर 69 बोतल शराब के साथ उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद काफी संख्या में कॉलोनी की महिलाएं कोतवाली थमक पड़ी और भाजपा नेता के परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। महिलाओं ने एक पुलिस अधिकारी का नाम बताते हुए आरोप लगाया कि वह भी अक्सर भाजपा नेता के यहाँ शराब पीने जाते हैं। एसपी सिटी ने महिलाओं के आरोप की जांच का आदेश दे दिया है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो सरकार ने कर ली है लॉकडाउन 2 की तैयारी, लेकिन अलग होंगे प्रतिबंध। पीएम मोदी आज सुबह कर सकेंगे 10 बजे ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि वे कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान कर सकते हैं। देशव्यापी बंद को बढ़ाने के लिए शनिवार 11 अप्रैल को हुई अहम बैठक में अधिकांश राज्यों ने पीएम मोदी से अनुरोध किया था कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिसके बाद से ही केंद्र इस मुद्दे पर विचार कर रही है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान कुछ कंपनियों को सशर्त काम की इजाजत देने की तैयारी में सरकार, वेतन गारंटी पर भी विचार। जिन कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान काम की इजाजत दी जाएगी उनके कामगारों को मांग के अनुरूप ड्यूटी पर जाना होगा। संक्रमण रोकने के लिए जरूरी उपायों के साथ सरकार सीमित कार्यबल के साथ कई उद्योग व लघु उद्योग इकाइयों को जरूरी काम शुरू करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। मंत्रालयों के सुझाव के अनुरूप रियायतें दी जाएंगी। इसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो अब पैसे के लिए न जाएं बैंक, एटीएम आएगा आपके घर। जी हां, लॉकडाउन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पैसे लेने के लिए अब बैंक नहीं आना पड़ेगा, वे गांव में ही माइक्रो एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए गांवों में डाक विभाग की इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के 510 माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है। अब ये माइक्रो एटीएम आपके घर सीधे पहुंचेंगे। लॉकडाउन में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पैसे निकालने के लिए बैंकों में भीड़ बढ़ जा रहा है। बैंकों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए गांव में ही माइक्रो एटीएम के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था शुरू की जा रही है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों को बैंक आने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी बैंक में खाता होने पर भी भारतीय डाक विभाग के माइक्रो एटीएम के आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से भुगतान किया जाएगा। लाभार्थी को केवल मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, साथ ही आधार नंबर देना पड़ेगा। माइक्रो एटीएम द्वारा मौके पर ही भुगतान कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के संचालन के लिए राजस्व ग्रामवार सचिव एवं माइक्रो एटीएम सेवा प्रदाता की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक 8 राजस्व गांव पर एक सेवा प्रदाता यानी कि माइक्रो एटीएम की व्यवस्था करते हुए स्थान निर्धारित कर दिया गया है। उसके बाद की बड़ी अपडेट की बात करें तो आगामी 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें गिरने का उम्मीद है।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां संभव है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र छिटपुट वर्षा के आसार है। लू का प्रकोप गुजरात के कुछ और इलाकों तक पहुंच सकती है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी लू चलने की आशंका है। तो आज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन के तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रख दी हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट करिए।